मिथिलेश, ये क्या कर रहा है तू? कल पेपर है ना तेरे? क्या बोल रहा था कि भाई रूम की चाबी दे दे, एग्जाम की तैयारी करनी है? अगर ऐसे ही एग्जाम की तैयारी होती है तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है मादरचोद। कौवे जैसे काले हो आप, मलाई जैसा गोरा करूंगा 60 सेकंड के अंदर। करना क्या है? एक कटोरी लेनी, आधा चम्मच कॉफी का डालना है, आधा चम्मच चीनी का डालना है, आधा नींबू। चला जा भेन के लोड़े यहाँ से, नहीं रेपट ऐसा चक भन्नाट पड़ेगा, कोका कोला मुतेगा 2 सेकंड के अंदर। करना क्या है? एक कटोरी लेनी है, एक चम्मच लेना है मिट्टी का तेल, एक चम्मच लेना है सरसों का तेल, एक चम्मच लेना है सांडे का तेल, मिला के चेहरे पे लगा लेना है, फिर लथेड़ के जो लपड़ पड़ेगा चड्डी में ही हक भरेगा। निपुण सकता के नुस्खे बता रहा है मादर चोत। भोसड़ी के कुलदीप काले, मच्छी मार्केट में अपना मामला जरा डालम डोल हो गया था तो अपन समोसा नहीं ला पाया तेरे लिए। इसका मतलब तू दरवाजे पे खड़ा होके हमें दादागिरी दिखाएगा? रे तेरी माँ की चुत साले। तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी मम्मी के साथ एक रात सो सके। हाँ बिल्कुल सही बात कर रही है। अच्छा। ये रात इसके साथ रहे, इस रात मेरे साथ रहे। पैसे कोई दिक्कत नहीं है और ना हमें उसको दिक्कत होने देनी चाहिए। देखिए मैडम, आज के जमाने में लड़के मिलना उतना ही मुश्किल है जितना चील के मूत में चवनप्राश मिलना। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए उत्तम व्यवस्था हम करवा के देंगे। पैसे पूसे तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या बेतुकी बात हुई कि एक रात इसके साथ एक रात उसके साथ? शेयर बटन दबाते ही जिन 3-4 भूखे प्यासों का नाम आता है ना, ये 2 घोड़ी की सवारी एक साथ करते हैं। अच्छा। ये छोटी सी टिकिया टिका के आपकी गांड के छेद पे ऐसा प्लास्टर करेंगे कि आप तिलमिला उठोगे और आपको आजीवन याद रहेगा कि बिल्ले से बकचोदी करना एक गांड लेवा बीमारी है। अरे मैं अभी सपने में क्या सोच रहा था कि मैं एक मिथिलेश हूँ, जबकि मैं तो काले पान का गुलाम हूँ ना आपका। यही सब तो काम होता है मेरा, आपके लिए वफादारी दिखाना, आपकी गांड गुलामी करना और आपके हुक्म को अपने लोड़े पे रखना। खैर अभी क्या करना है, ये फेंका हुआ नकली गांड वापस उठा के लाना है ना। तेरी माँ के चित। डॉक्टर डीजे अग्रवाल ने तुमको मना किया है क्या? किससे? हंसने से। वैसे भी हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? वो झुमरी तलैया से निष्कासित किए हुए झिंगूर, तेरे से फटेगी मेरी बक्कल, वो सूतूंगा गांड पे कि ये उगली गुगली 555 वाले डायलॉग नहीं मारेगा। ऐसा लग रहा सनी देओल ने डीजल में डुबकी मार ली बहनचोद। संभव है कविता, ये क्या बात कर रही हो तुम? मुस्कुरा के तुमसे तो बात क्या कर ली? तुम चाहती हो कि मैं शादी के लिए डोगी डोन से तुम्हारा हाथ मांगू? आत्मसम्मान पे बात आ जाएगी, पूरे इलाके में थूथू हो जाएगी हमारे नाम की। तो ये शादी का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, बहन चौदान दो, प्लेन कैंसिल करो। इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मिथिलेश और उसका दोस्त है जोगिंदर जहरीला। मेरी लाइफ में चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ये हमेशा मेरी गांड के पीछे खड़े रहते हैं। अभी देखो ना, देश प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और ये बेचारे ले रहे हैं मेरा। अगर आप डेली ठंडे पानी से नहाते हो तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होगा, मसल रिकवरी फास्ट होगी, हेल्दी स्किन रहेगी आपकी, ग्लोइंग पोर्स टाइट हो जाएंगे और खुश खुश फील करोगे, डिप्रेशन से टेंशन से दूर। पता नहीं क्यों लेकिन इस गेल चौदे की बात मान के ऐसी गांड जमाने वाली ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। फायदे गए अपनी माँ चुदा ने, यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। नाक से सुनामी सर्राटे मार रही है, नीचे से ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है और अंदर ही अंदर भूकंप के झटके अलग महसूस हो रहे हैं। अब तो लग रहा है शरीर का सर्वनाश होने को है बहन चोद। Ha 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 ha
गुप्तचर से पता चला है कि हमारे खिलाफ बगावत कर दी है तूने। चंट चबूतरे पे खड़ा होके क्या कह रहा था कि बांगड़ बिल्ला अत्याचार करता है उसे तड़ी पार कर देना चाहिए बहन के। मेरी मजबूती का राज पूछ रही थी मेरे पास आके, कहने लगी OMG आपका शरीर तो इतना गठीला है, बहुत किस्से सुने हैं आपके बहादुरी के, सुना है यमराज के साथ उठना बैठना है आपका। मैंने कहा मुद्दे की बात कर, तो कहने लगी प्लीज आप मेरे पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो क्या। मैंने कहा ठीक है लेकिन झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, स्टार मिस्टार होगी अपने मोहल्ले में, हमसे गुरु ज्ञान चाहिए तो झुक के रहना पड़ेगा। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना मोहब्बत। और ऐसे टिकटॉकर्स की दुकान में ना पैसे टिकते हैं ना कस्टमर, चंदू चोदुमल बाल काटे हैं तूने, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर दी तो चिंपांजी जैसा रिएक्शन दे रहा है मादर चोद। अरे बस क्या सिक्स पैक निकालेगी बहन की लोड़ी, पता है ना लड़कियों में कितनी दीवानगी आए दिन नसें कट रही है हमारे नाम की। वेलेंटाइंस डे को ऐसे सिक्स पैक लेके निकल गया तो लौंडिया प्यार में पागल पतंजलि का पेट्रोल पी लेगी बहन चोद।